हेलो दोस्तों, बोर्ड ने जारी किया मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर का हम खंड सी सरल करने जा रहे हैं। इसमें दो दो क्वेश्चन होते हैं अथवा में, आपको दोनों में से एक करना है। ये 3 नंबर का आता है। हम यह सुविधा के लिए दोनों ही हल करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस टू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स ज्ञात कीजिए। हमें ये फॉर्मूला पता है, पूर्ण वर्ग वाला। ये डरावना सा लेकिन सिंपल सूत्र है ना। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका क्या होगा? लॉग, और ये मॉडुलस लगा देंगे, एक्स प्लस ऐसे ही उतार देंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। बहुत ही सिंपल सूत्र है, या देखते ही पता चल रहा है भाई। ये दो है, इसके हम टुकड़े कर दिए, इसको 1+1 लिख दिया। तो देखो ये क्या हो गया, एक्स प्लस 1 एक भाग तो ये हो गया, और प्लस एक जो ये 1 आएगा इधर से, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 3 डी एक्स। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको सरल करने के लिए इसको तो मान लेते हैं फर्स्ट को आई वन, और इसको मान लेते हैं आई टू। तो आई वन से क्या हो गया, ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 3 डी एक्स। अब हम इसको टी मान लेते हैं नीचे वाले को। तो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 3 इजिकल टू टी, जब इसका अवकलन करेंगे 2 एक्स प्लस 2 डी एक्स, और इधर हो गया डी टी, दो कॉमन ले लिया, तो एक्स प्लस 1 डी एक्स इजिकल टू क्या हो गया, डी टी बटा 2। तो आई वन बराबर क्या हो गया, ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और ये एक्स प्लस 1 डी एक्स ये किस में चला गया, ये डी टी में चला गया। तो डी टी अंडर रूट का अंडर रूट लगा दिया, और इसको हमने टी माना था अंदर वाले को, तो ये टी। अब 1/2, और जब इस अंडर रूट टी का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी की पावर -1/2+1 और बट्टा -1/2+1। ये -1/2 में से एक ये 1/2, 1/2 से 1/2 हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ घात क्या बचेगी, टी की पावर 1/2। तो आई वन बराबर टी की पावर 1/2 है, टी का वापस मान रख दिया, टी को हमने क्या माना था, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 3 और ये अंडर रूट, ये तो आ गया आई वन। इसी प्रकार देखो आई टू के लिए क्या करेंगे, हमें इसका पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा हर का। तो आई टू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 1 जोड़ दिया और -1 घटा दिया, और ये +3 है ये डी एक्स। अब इजिकल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये क्या बन गया, देखो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ से ये वापस आ गया -1+3। तो ये क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ये बच गया +2 डी एक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, इस 2 को मैंने क्या लिख दिया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर डी एक्स। अब देखो अब ये वापस हमारा फॉर्मूला बन गया, तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो गया, लॉग एक्स प्लस 1 प्लस ये जो हर है इसको ऐसा कैसे ही रखना है, आंसर क्या आ गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 3 प्लस लॉग मॉडुलस एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस का सी। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन दिख रहा है उसे दबा दीजिए।